الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شرنشین پر تشریف فرما اور مخصوص کے خاتے میں تشریف فرما حضرات علماء کرام حفاظ مجلس حاضرین محترم اور پردہ نشین دینی ماں بہنیں میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج 14 حفاظ کرام کی دستار بندی کے اس مبارک جلسے میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اتنی دور کا سفر میں نہیں کرتا اطراف اور جوانب کے کئی مدرسوں نے مجھے دعوت دی ہے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے یہاں بھی بندے کی حاضری ہو ان مہمانوں کے ساتھ لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ان کے یہاں حاضر نہ ہو سکا لیکن جن حضرات نے ہمیں یاد کیا ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ اجنبی مہمانوں کو یاد کیا
दूसरी बात यह है कि हजरत मौलाना कमरुल हुदा साहब ने हजरत मौलाना हमजला साहब को बार बार टेलीफोन से इशरार किया कि भाई इसे दावत दी जाए। उन्होंने मुझे बार बार फोन किए तो ये लगातार फोन आ रहे, इसने भी मजबूर किया। और कुछ मेरी किस्मत में यहां की मछलियां भी लिखी होंगी, इसलिए भी हाजरी। मेरे एक बहुत अजीज हजरत मौलाना यूसुफ अली माकड़ा नक्शबंदी दावत बरकातहू जो बरतानिया में हो गए, यूके के रहने वाले, वो हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल वाड़ी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के मुजाज, गोया के वो पीर भाई, उन्होंने भी फौज पर हुक्म फरमाया कि तू जरूर जा। ये सब अनासिर जमा हो गए और अल्लाह को मंजूर था तो चंद मिनटे आपके सामने हाजिर हूं। आज के जलसे की निस्बत बड़ी अजीम है, और वो निस्बत कुरान करीम की निस्बत إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ। ये कुरान करीम की निस्बत कुरान करीम लाजवाब किताब, बेबदल किताब, कहने वाले ने अच्छी बात कही, कलामुल मुलूक के मुलूकुल कलाम, बादशाहों का जो कलाम होता है वो कलामों का बादशाह होता है, और कुरान करीम अल्लाह का कलाम है तो जहरी बात है कि जैसे अल्लाह से बढ़कर कोई जात नहीं, उसके कलाम से बढ़कर किसी का कलाम। चौदह नौनिहालों का सीने को कुरान करीम से चमकाना, ये कुरान का मौजूद है। चंद रोज पहले मेरी हाजिरी हुई एक जगह, एक नाबीना लड़की ने कुरान याद किया, यह कुरान करीम का मौजूदा है। उससे चंद दिनों पहले हमारे शहर सूरत में 7 साल की लड़की ने कुरान शरीफ हिस्स किया, यह कुरान करीम का मौजूदा। जिन बच्चों ने कुरान शरीफ हिस्स किया है उनकी जबान अरबी नहीं है, अभी तो उनको उर्दू भी अच्छी नहीं आती,
और अरबी जबान का कुरान एक एक हर्फ करके उन्होंने अपने सीने में महफूज किया। इससे बढ़कर कुरान करीम का मौजूदा क्या है? आदमी समझता है कि ये बच्चे का कमाल है, उस्ताद का कमाल है, असल में ये अल्लाह के कुरान का कमाल है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैं आपको बहुत एक दिलचस्प वाकया सुनाऊंगा और बात यहां से शुरू करनी मुझे कि कुरान करीम सीने में उतर जाए, पढ़ा जाए, जिंदगी में आ जाए, इसका दर्जा कितना आलीशान है, कितना ऊंचा है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों इकबाल कहते हैं, फाश गोयम आँच दर दिल मुजमरास की किताबें चीजें दीगरस। इकबाल कहते हैं ये रास की बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये तुम्हारे सामने जो किताब है ये कॉमन किताब नहीं, मामूली किताब नहीं, ये तो कुछ और ही चीज है। याद रखिए कि कुरान किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के अंदर से निकल कर आया है। कुरान करीम में फरमाया है, لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله। अगर हमने कुरान करीम को पहाड़ों पर उतारा होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, चकनाचूर हो जाते, लेकिन इंसान के पलक में ये कुरान करीम उतारा गया और उसको संभाला दिया गया। खाली कुरान करीम से निष्पत तरासी हो जाती तो अल्लाह ईमान महफूज कर पाता। तो जिसके सीने में पूरा कुरान करीम महफूज हो उसका ईमान कितना सलामत हो जाएगा, वो कैसा आखिरत में जाएगा, वो कैसा जन्नत में जाएगा, सुनो तो सही। हम लोग कुरान करीम को मामूली किताब समझते हैं और रख दिया है काफिरों के ऊपर, हर मुसलमान के घर में कुरान है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। कुरान पढ़ने की किताब है, कुरान अमल करने की किताब है। एक माँ बाप ने अपने अकलौते बेटे को पहले दीन की तालीम दी, कुरान शरीफ पढ़ाया, उस्तादों के पास भेजा, मक्का में भेजा, मदरसे में भेजा, अपनी औलाद की दीन की फिक्र की, दुनिया तो किसी तरह से लिया जाए लेकिन दीन के बारे में अल्लाह के यहां सवाल होना है, लिहाजा दीन मुकद्दम रखिए और दीन की फिक्र कीजिए और अपने अकीदे को दुरुस्त रखने की फिक्र कीजिए। जिसके सीने में कुरान आ जाएगा उसका अकीदा अल्लाह दुरुस्त रखा। माँ बाप ने पहले दीन पढ़ाया, हदीस शरीफ में है, طلب العلم فريضة على كل مسلم ان تسيدنا دين علم تسيدنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے ضروری ہے۔ میرے دین پڑھا دیا
और बच्चे को कुरान शरीफ की तिलावत का आदि बनाया। मेरा हराम जाना हुआ, मैं किनारे पर बैठा था, एक अरब अपने दो बच्चों को लेकर आया। उसने दो रकात नमाज पढ़ी और दो रकात नमाज पढ़कर उसके बच्चे भी कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गए, वो भी कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गए। मैंने उससे पूछा कि ये बच्चे इतने शौक से कुरान पढ़ते हैं? फरमाया, मैंने इनको कुरान पढ़ना सिखाया है और मेरे घर का कोई कमरा ऐसा नहीं कि जिसके अंदर कुरान शरीफ न रखा हो और कोई कमरा ऐसा नहीं जिसमें तिलावत कुरान न होती। आज तिलावत कुरान का जज्बा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। हालांकि कुरान करीम पढ़ना आदमी को अल्लाह से कनेक्ट करता है, अल्लाह से जोड़ देता है। कुरान पढ़ने वाला अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल करता है। बड़ी नेमत है कुरान करीम का पढ़ना, जिनको नहीं आता उनको भी सीखना चाहिए और कुरान करीम की रोजाना तिलावत करनी चाहिए। हदीसों में है और हजरत इमाम बुखारी ने नकल किया है कि कुरान के पढ़ने से घर में सकीना और सुकून नाजिल होता है। ये बात दावे के साथ कही जा सकती है और कोई दूसरी दलील नहीं है, हदीस की दलील है और हदीस भी कोई और नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस। अब उन्होंने पहले तो दीन पढ़ा दिया, अच्छी तरह अकीदा मजबूत कर दिया, उसके बाद बच्चे को दुनिया पढ़ा। दुनिया का एजुकेशन भी जरूरी है, अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी दो, क्योंकि दुनिया में रहना है तो दुनिया की तालीम देनी पड़े, अच्छा जॉब मिले, अच्छी तरक्की करे, हमारा स्कूल हो, हमारा कॉलेज हो, हमारी यूनिवर्सिटी हो, हम तालीम दे बच्चों को दुनिया की इस्लाम के माहौल में। तालीम तो लोग दे रहे लेकिन इस्लामी माहौल में नहीं दे रहे, दूसरों का माहौल होता है। इस्लामी माहौल में खालिश दीनी तालीम दुनिया की तालीम दोनों होनी चाहिए। उन्होंने अपने बच्चे को ग्रेजुएट बेहतरीन एजुकेशन दिया। तो मुझे आपके यहां का तो मालूम नहीं लेकिन हमारे यहां ज्यादा क्वालिफिकेशन जब हो जाता है तो माँ बाप बच्चे को बाहर यानी आउट ऑफ इंडिया भेजते कि वहां की कमाई अच्छी, आउट ऑफ इंडिया भेजते। कितने गांव ऐसे हैं जो खाली हो गए इस बिना पर कि उसके रहने वाले ज्यादातर बाहर जाकर रह गए और वहां कमा रहे। ये पढ़ा लिखा लड़का था, इसको भेज दिया अमरीका, समझा के भेजा, इसके बैग के अंदर कुरान शरीफ रखा, दीन की कुछ किताबें रखी कि बेटा वक्त मिले तो हमको फोन भी करना और बेटा वक्त मिले तो नमाज भी पढ़ना, देख तेरे मुसल्ला भी रखा है और तेरे बैग में हमने कुरान शरीफ भी रखा। लड़का चला गया। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो बच्चा दीन की अच्छी तालीम हासिल करे और जो बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है, अल्लाह ताला उसका दिमाग ऐसा खोल देते हैं कि फिर वो दुनिया के एजुकेशन में भी बेहतरीन मार्क्स हासिल करता है। देखो आपको वाकया सुनाऊं। मेरे एक दोस्त हैं, इस वक्त अमरीका में रिटायर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, अमरीकन गवर्नमेंट में, उन्होंने
कुरान की बरकत से मस्जिद बनाई है अमेरिका में और मदरसा हाफिजों के लिए तैयार किया है और कंप्यूटर में IAS दर्जे के ऑफिसर है। अल्लाह ने बड़ा नॉलेज उनको दिया है, लेकिन उनका आगाज कैसे हुआ? स्कूल में पढ़ना शुरू किया तो दिमाग चलता नहीं, साइंस में डाला था अब्बा जाना, दिमाग चलता नहीं। जब दिमाग न चला तो हमारे यहां बहुत बड़े आलिम आपको जानते होंगे, मुफ्ती सैयद अब्दुल रहीम लाजपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह साहेब फतावा रहीमिया, उनके पास मशवरे के लिए जाकर उनसे मशवरा किया। हजरत मेरे बेटे का दिमाग स्कूल के अंदर बिल्कुल नहीं चलता, क्या करूं? पढ़ना उठा लो, स्कूल से उठा लो। तो हजरत के लिए क्या करेगा? पढ़ना भी कुरान याद करेगा, इसको कुरान शरीफ के हिज में दाखिल करो। हजरत इसका दिमाग साइंस में तो चला नहीं, कुरान में क्या चलेगा? दाखिल तो कर दो। बच्चे को हिस्से कुरान के लिए दाखिल करना, अल्लाह ने ऐसा दिमाग खोला, 2 साल के अंदर हाफिज़े कुरान करीम बन गया। अब 2 साल के बाद वालिद साहब आए, हजरत कुरान तो याद कर लिया इसने, अब क्या करूं? अब करना साइंस में डाल, तो उसको साइंस में डाल दिया। ऐसा दिमाग खुला कि फर्स्ट क्लास से उन्होंने BSc पास किया। मैंने पूछा यार तेरा तो दिमाग चलता ही नहीं, सब कैसे चलने लगा? और मैं कुरान जब अल्लाह ने दिल पर खोला तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने मेरा दिमाग भी खोल दिया, और खोलने के बाद अब दुनिया के एजुकेशन का पानी पानी आज भी वो काम कर रहे, और अमरीकन गवर्नमेंट में काम कर रहे, मामूली इदारे में काम नहीं कर रहे। ये लड़का जो है ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आजकल तो भाई मैकेनिज्म का और टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी सीखिए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना। अभी फलस्तीन में जंग चल रही, फलस्तीन की जंग में इसराइल ने कहा था कि 3 दिन लगेंगे फलस्तीन को खत्म करने के लिए, ओनली 3 डेज, 3 दिन लगेंगे। 3 महीने की सुबह हो गई, अभी तक वो जाने ही लड़ रहे हैं। तो क्यों लड़ रहे हैं? लड़ने वाला हर मुजाहिद जो है हाफिज़े कुरान, और वो बेहतरीन कंप्यूटर चलाता है, टैंक चलाता है, रॉकेट लॉन्चर चलाता है, हवाई जहाज चलाता है। 3 महीने से टिके हुए हैं। वहां के कमांडरों को पूछा कि क्यों निकाल हुआ है तुम्हारा जवान, हजारों शहीद हो गए फिर भी क्यों निकाल है? फरमाया कुरान की हिस्स की बरकत, कुरान इतनी बड़ी नेमत है। वार्ष कर रहा था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसको जॉब मिल गया, माँ बाप को पैसे भी देता था, खत भी लिखता था, शुरू शुरू में अच्छा एटमॉस्फियर रहा, अच्छा
हमेशा ख्याल रखता था माँ बाप का, माँ बाप तो ये चाहते हैं कि बुढ़ापे में औलाद काम आए, औलाद सहारा बने, यही चाहते हैं ना माँ बाप। तो वो सहारा बना अच्छे पैसे भेजकर, लेकिन क्या करे, औलियानियत नंगापन बेहयालियों का ये जमाना है। बेहयालियों के इंतहाई जमाने से वो बच नहीं पाया, नीच था। उसके टेबल के पड़ोस में एक ईसाई लड़की जो है वो भी सॉफ्टवेयर की इंजीनियर की वो काम करती है, तरह तरह के उत्तरों से इस्लाम ने पर्दे का बड़ा लिहाज किया है। पर्दा औरत की इज्जत है, हया औरत का दुपट्टा है। जिस औरत के पास करोड़ों रुपये का जेवर हो लेकिन उसकी जिंदगी में हया ना हो तो वो जेवर बेकार है। हया का जेवर चाहिए, इसलिए बुजुर्गों ने किताब लिखी, इसका नाम रखा बनीसी जेवर। पर्दा बड़ी अच्छी चीज है, और मैं आपको बताऊं कि पर्दा हर जगह, ये पिंडाल बना है, इसमें चारों तरफ पर्दे मुझे नजर आए। पर्दे को क्या बुरा कहते हैं, हर जगह पर्दे। और हवाई जहाज में आप जाएंगे ना तो फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास के बीच में पर्दा होता है। ट्रेन में आप चले गए, ट्रेन में जो है सेकंड एसी का जो कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर पर्दा होता है। जो दुनिया के बड़े बड़े मालदार मकान बनाते हैं वो बड़े ग्लास लगाते हैं और ग्लास के अंदर कर्टेन यानी पर्दे लगाते हैं। ये तो इन लोगों ने पर्दे को फैशन बनाया और मुसलमान पर्दे को छोड़ रहा है। औरतों को पर्दा सिखा और उनसे पर्दा करा और इनका लिबास ईमानी बनाओ और इनका दीनी लिबास बनाओ। याद रखो ये बात कि दुनिया की औरतें लिबास पहनती है जिस्म दिखाने के लिए और मुसलमान औरत लिबास पहनती है जिस्म छुपाने के लिए। कुरान करीम ने बड़ा ऐलान किया है, या अय्युह नबी कुनी अज़वाजिका वबनातिका वनिसाई मोमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। ऐसा वाक्य मैं आपको सुनाता कि ये पर्दा मां बहनों के दिमाग में फिट हो जाता। आप सोचते होंगे इतना बड़ा लड़कों का महीना है ना, उसमें पर्दे की तकलीफ क्यों कर रहे, तो औरतों में पर्दे और तेरे सुन रही। हमारे बुजुर्ग पर्दे की तकलीफ मर्दों में करते और दाढ़ी की तकलीफ औरतों में करते। उनको पूछा गया कि हजरत ये ऐसा उल्टा मामला क्यों है, पर्दे की तकरीर आप मर्दों में करने का पर्दे से रोकने वाले मर्द ही होते। भाई मेरी वाइफ जो है ये एक्सपोज होनी चाहिए, जरा सबको देखे तो कोई कॉन्ग्रेचुलेशन दे जो कहे कि भाई आपकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। शर्म की बात है अगर ऐसा कहे उसका हुस्न देखकर के बीवी ब्यूटीफुल है तो डू करना चाहिए। और दाढ़ी जानते हैं ना, अभी हिंदुस्तान में जो चलन चल रहा है उसमें अगर जिंदगी चाहते हो ना इस्लामी, तो सरों पे टोपी पहनो और दाढ़ी रखो, अपनी पहचान बनाओ, दो रहोगे हिंदुस्तान में, वरना एक मंदिर दो मस्जिद करके सब मस्जिदें तुम्हारी ले लेंगे और तुम्हारा बच्चा आइंदा सालों में कलमा भी नहीं पढ़ सकता। ऐसे खतरनाक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। आप इस बात को मजाक या हल्का ना समझें, आज हमें स्पेशलिटी की जरूरत है।
मुसलमानों को अपनी स्पेशलिटी कायम करनी, अपनी खसूसियात को बाकी रखना है, ताकि दूर से देखकर कोई यह कहे कि यह हमारा मुसलमान भाई, करने की क्या बात है। सरदार और सिख सर पे पटका बांधता है, दाढ़ी भी रखता है, कृपाण भी रखता है, हाथ में कड़ा भी पहनता है, उसको पूरी दुनिया रोक नहीं सकती, तो फिर मुसलमान को दाढ़ी रखने से कौन रोक सकता है। सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी उतारो, सारी सुनने का शौक मत रखो, आएंगे मौलाना बात से देखें क्या कहते हैं, कुछ अच्छी बात करते हैं क्या करते हैं, कौन सी अच्छी बात चाहते हो। 1400 साल पुराना दिन है, नहीं कोई बात तो करूंगा नहीं आपके सामने, डंके के छोड़ पर वही कहूंगा जो वहां कहता था वो यहाँ कहूंगा, और यहाँ जो कहता हूँ वो बर्तानिया में कहता हूँ, और यहाँ जो कहता हूँ फ्रांस में कहता हूँ, पूरी दुनिया में इसी तरह से कहता हूँ। मेरी एक ही सलाह है कि जिंदगी इस्लामी बनाओ, जिंदगी कुराने करीम वाली बनाओ। देखो एक नुक्ता सुनाता हूं, कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बा से शुरू हुआ कुरान, है ना भाई, बा से शुरू होता है, बा से शुरू होता है, और खत्म किस पर होता है, वन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास, सीन पर खत्म। कभी गौर किया, बा और सीन दोनों को मिलाइए क्या बनेगा, बस मोमिन की जिंदगी के लिए कुरान बस। लेकिन यहां उलमा तशरीफ रखते हैं, अभी एतराज करेंगे, हदीस का मिली याद रखो, कुरान की हिफाजत में हदीस की हिफाजत मुजमर। अल्लाह ने हुजूर को भेजा ही कुरान समझाने के लिए। अल्लाह फरमाते हैं, वअंजलना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्जिल इलैहिम, और हमने आपकी तरफ कुरान करीम उतारा ताकि आप लोगों के सामने जबानी भी समझाएं, अमल करके भी कुरान करीम समझाएं, उसके बगैर कुरान करीम समझ में नहीं आ सकता। तो जहां कुरान मक़बूल है वहां हदीस भी मक़बूल, तो कुरान और हदीस बस मोमिन की मोमिनाना जिंदगी। और जलालुद्दीन सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह ने अल इत्कान की उलूम में कुरान में लिखा कि कुरान करीम के उलूम को अगर गिना जाएगा तो 300 से ज्यादा उलूम आएंगे, कुरान में 300 से ज्यादा उलूम। बस का मतलब अभी खत्म नहीं हुआ, बाप पहला अर्थ, सीन अखीरी अर्थ, बा और सीन मिलाई बस हो। बस को जरा उल्टी तरफ से पढ़िए तो हो जाएगा सब, कुरान बस भी है, कुरान सब भी है, कुरान वक्ष हो दोस्त। एक लतीफा सुनाता हूं, वो लतीफा ये है कि अमरीका में मेरे एक दोस्त थे, वो यहां थे तो डांस में जाते थे, क्लब्स में जाते थे, हिप्पी कट बाल रखते थे, जींस का पैंट पहनते थे, हिदायतें अल्लाह के हाथ। वो अमरीका गए तो एक
दावत के साथी के हाथ में आ गए। यहां जब दावत वाला कोई इनका दरवाजा खटखटाता था उसको निकाल देते, दरवाजा बंद कर देते, गेट आउट यू कहते, सुनते नहीं। वहां गए, सैलरी बहुत अच्छी, डिग्री बहुत अच्छी, मालदारी बहुत, गाड़ी वगैरह सब। वो तबलीग के आदमी ने दीन समझाया, अल्लाह को हिदायत देने की बात समझ में आ गई, तो वो जो फटा हुआ जींस पहनते हैं ना आजकल नौजवान लोग, मेरे सामने एक आदमी बैठा था ट्रेन में, मैंने कहा बहुत फटा हुआ पहना है आपने, आपको अच्छा नसीब नहीं हुआ? कहा फैशन है, फटा हुआ पहनना फैशन, हर गलत चीज को फैशन बना लिया। और अगर फैशन बनाने का शौक है ना तो सुन्नतों को फैशन बनाओ, सुन्नतों को फैशन बनाओ। सर पे बाल भी रखते हैं तो बीच में कचरे का टोकरा और चारों तरफ से सफा चढ़ा, ये तो कोई बात नहीं, कभी देखा है ना आईने में, कभी देखा है कैसा लगता है ये चेहरा, क्या अच्छा लगता है? अरे मेरे महबूब ने बताया सब तरफ से बाल बराबर काटो, ये इधर से कट, उधर से कट, पीछे से कट, ये कोई बात नहीं। उनकी जींस की पैंट भी होती, अब तो बात बाल अगर आप तो जींस की पैंट पहनते हैं तो बिल्कुल कूल्हे की जो गड्डी है वहां वो पैंट लगती है और नीचे झाड़ू दे रही होगी और पैंट कहती, अगर बोलने की ताकत पैंट में आ जाती तो पैंट यूं कहती है कि भाई अच्छी तरह पहन ले, जितना अच्छी तरह उतार दे, जितना पहनने में रखा ना उतारने में रखा ही कैसे। उनकी पैंट गई, शर्ट गया, लंबा कुर्ता आया, पैजामा आया, हाथ में डंडा भी ले लिया। इंडिया उतरे तो उनको किसी ने पहचाने नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल एडवांस और फैशनेबल थे और बिल्कुल जो है जदीद तरीके के एडवांस कल्चर के इंसान, और वो बिल्कुल आगे लंबी दाढ़ी, सर पे साफा, लंबा बोरका, हाथ में डंडा, लेने वाले आए, कालिद भाई कहाँ है, कालिद भाई कहाँ है? उन्होंने कहा मैं यहाँ हूँ। अरे ये डंडा लेके क्यों आए? कहा इंडिया में कुत्ते बोलते रोशन मार के लिए, रास्ते में कुत्ते हैरान करते तो डंडा होना चाहिए, तो डंडा रखना भी सुनना, उसको क्या डर है? सुन्नत पर अमल करने के लिए से रखो, कोई कारण नहीं। अब वो घर पर आए तो घर पे इक्तिमा था, मस्जिद के अंदर करीब में इक्तिमा था, तो अब्बा की तश्कील की, अब्बा डिप्लोमेट आदमी, वो कभी जो है किसी का बयान सुनने के आदि नहीं, एंटी आलिम थे, उलमा की बड़ी एनर्जी हो, कोट और पैंट और टाई और सब हमेशा लगा के एक एडवोकेट की हैसियत से रहते थे। अब बेटे ने बहुत कहा कि अब्बा बयान है सुनने चलो, तो सुबह में 10 बजे से बयान को सुनने चले गए, 12-1 बजे बयान खत्म हुआ तो दोपहर के बाद दूसरा बयान और असर के बाद दूसरी बात की और मगरिब के बाद अहम बात। दोपहर को खाना खा के अब्बा जान को कहा कि अब्बा दूसरा बयान सुन के जाना है, तो पहला तो हजम हुआ नहीं तो दूसरा सुनूंगा तो बद हजमी, आप तो माशाल्लाह कल से बयान आज सुन गए, अब मेरे बयान की क्या हैसियत? मैं बयान करने नहीं आया, मैं तो आपसे बातचीत करने आया, मैं बयान करने नहीं आया, मैं आपके सामने दर्द दिल कहने आया,
कि कुरान क्या है समझो, कुरान की हकीकत को समझो, अपनी इस्लाह करो, अपने घर को रोशन करो, अपनी नस्लों को पढ़ाओ, तालीम दो उनको, बेहतरीन एजुकेशन से नवाजो, दीनी तालीम भी दो, दुनिया की तालीम भी। शायद यहां बैठे हुए हजरात ये दुल्हों को देखकर तमन्ना करते होंगे कि काश हमारा बच्चा भी आज हाफिज हुआ होता तो उसके सर पर भी ऐसा दस्तार बनती और ऐसा सेहरा बनता और दुनिया मुबारकबाद देती। अरे ये तो दुनिया की दस्तार बनी है, इसके माँ बाप को अल्लाह आखिरत में जन्नत के स्टेज के ऊपर बुलाकर बेहतरीन ताज से नवाजेंगे। यह हदीस का कोई इंकार नहीं कर सकता, मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने यह हदीस नकल की है। बल्कि हदीस शरीफ में फरमाया जब कयामत के दिन जब आखिरत में माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा, बच्चे के हिफ्ज कुरान करने के नतीजे में तो बैठे हुए सामने के हजरात तमन्ना करें कि ऐ अल्लाह काश हमने भी हमारे बच्चों को हाफिज बनाया होता तो आज हमें भी ताज पहनाया जाता। ये तमन्ना करें, वो तमन्ना वहां करेंगे ना, उस तमन्ना के लिए अभी हम काम कर सकते हैं। और बैठने वाले मेरे भाइयों और मां बहनों, अपनी बच्चियों को भी कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को भी हाफिज़ा बनाओ, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कुरान की हाफिज़ा। अब वो बात में शुरू करता हूं, लड़की के साथ जरा सा ताल्लुक बढ़ गया और बढ़ता ही चला गया, रोजाना बेपर्दगी, रोजाना बातचीत के नतीजे में गड़बड़ी पैदा हुई है, इसलिए गैर महरम से गुफ्तगु को मना किया, गैर महरम से गुफ्तगु मोबाइल पर भी मना है, वैसे भी मना है, बात से बात आगे बढ़ती, गैर महरम से मोबाइल पर गुफ्तगु करना या दुबदु गुफ्तगु करना बगैर किसी जरूरत के गुफ्तगु करना फरमाया जबान का जिना है, आंखें भी जिना करती है, जबान भी जिना करती है, कान भी जिना करते हैं। बचाओ अपने आप को जिना की चीजों से, बिना पढ़के ऐसे लोग जो जिना का में हजारों से बहुत ज्यादा करीब है। ताल्लुक बढ़ गए, लड़की की जान में ऐसा फंस गया कि माँ बाप को लेटर लिखना भी लड़की ने बंद करवा दिया और पैसे भिजवाना भी बंद कर दिया। इधर माँ बाप बेचारे वजीफा पे वजीफा पढ़ते हैं, ये बाबा के पास जाते हैं, वालिद के पास जाते हैं, मौला हमारे छोकरे ने पैसे भेजना बंद कर दिया, लेटर लिखना बंद कर दिया, खत लिखना बंद कर दिया, क्या हुआ इसको? अरे आहिस्ता आहिस्ता नमाज छूट गई। अल्लाह अल्लाह, नमाज तो मुसलमान की इंतहाई अहम बात है और नमाज आएंगे बुराइयां जाएंगी। इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशा वल मुनकर, नमाज कुल्लम कुल्लम गुनाह और बेहयाई के कामों से रोकने वाले। बात आगे बढ़ गई, शादी की नौबत है, लड़की है, उसके बाप पादरी थे, जाकर कहा कि एक लड़का मुसलमान है, मुझसे ताल्लुक रखता है, मैं उसके साथ मैरिज करना चाहता हूं, उससे मैं निकाह करना चाहता हूं। तो बोला कि लड़का अपॉइंटमेंट दिया, बाप बुलाया, बुलाने के बाद कहा तुम मेरी लड़की से शादी करोगे?
किसने कहा? वो क्रिश्चियन जो था उसने कहा, मेरे लड़की से शादी करोगे? उन्होंने कहा जी बहुत मोहब्बत है, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, शादी करना है। एक कंडीशन क्या है? तुमको ईसाई बनना पड़ेगा। पहला बात, ईसाई बनना पड़ेगा, दीन छोड़ना पड़ेगा, नमाज में नहीं जा सकता, मां बाप को भी छोड़ना पड़ेगा। मोहब्बत ऐसी अंधी चीज है, सब छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तब तेरी शादी कराता हूं, तुझे एक फ्लैट की चाबी देता हूं, गाड़ी की चाबी देता हूं, शादी हो गई, ईसाई बन गया। मस्जिद में इमाम बेचारा इंतजार कर रहा है, वो अजान देने वाला नौजवान क्यों नहीं आता? उसको क्या हो गया? वो अजान देता था, कितनी प्यारी अजान देता, कैसी अच्छी नमाज पढ़ता था, क्या हुआ नौजवान को नमाज पढ़ने नहीं आता? रास्ते में मिल गया, अरे बेटा तू नमाज पढ़ने नहीं आती, नमाज की बात ही कर ली, मैं ईसाई हूं। कुरान पढ़ के गया था, बैग में कुरान रखा था। शादी होने के बाद इसने काम किया, सामने एक वार्डरोब यानी कांच की एक कबाट, शोकेस कहते हैं, उस शोकेस के अंदर कुरान शरीफ को साफ सुथरा करते रहते। रोजाना ऑफिस से आता और कुरान शरीफ लेकर बैठ जाता, सीने से लगाता, चूमता, क्योंकि पढ़ने को ना कहा था लड़की ने और लड़की के बाप ने, कुरान को सीने से लगाता फिर अलमारी के अंदर रख देता। एक दिन वो ईसाई लड़की जो उसकी वाइफ थी, उसने वो कुरान शरीफ उठाकर डस्टबिन यानी कचरा दानी में डाल दिया। अब ये शाम को आया, शाम को आया तो इसने देखा कि अलमारी में कुरान शरीफ नहीं है। बीवी से पूछा कि वेयर इज दिस बुक विच वाज इन द शोकेस, शोकेस में तो जो बुक थी वो कहां है? क्या मैंने इसको कचरा दानी में डाल दिया, ये बेकार किताब है, इसका फायदा क्या था? उससे हो गया आइंदा ऐसी हरकत मत करना। कुरान वापस गया डस्टबिन में, जाकर साफ किया, खुशबू लगाई, फिर अलमारी में जाके रख दिया। लड़की दूसरे दिन अपने बाप के पास था, सुन रहे मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ रही? दूसरे दिन बाप के पास गई लड़की, जाकर कहा कि वो कोई किताब ले आई, किताब साथ लेके चली और लाकर के बाप को दी कि ये किताब रोजाना चूमता है, चाटता है, रखता है और मैंने फेंकी तो ये बिल्कुल जो है एंग्री हो गया, गुस्से में आ गया, क्या है किताब के अंदर? बाप ने बुलाया, कोई मुसलमान आया, कोई ईसाई आया, उन लोगों ने कहा दिस इज द ग्लोरियस बुक कुरान, ये तो कुरान है। ओहो बेटा, ये कुरान करीम से इसका अभी रिश्ता है? अरे पढ़ता नहीं है लेकिन रोजाना देखता है, कल जाकर इसको कह दे कि इस घर के अंदर या कुरान रहेगा या मैं रहूंगी, दोनों में से एक चीज रहेगी, फैसला कर ले किस चीज को रखना है, कुरान को रखना है कि मुझे रखना है। लड़का ऑफिस से आया, लड़की ने कहा एक क्वेश्चन है, क्या है? वो ये है कि ये जो कुरान है ना, ये इस घर के अंदर नहीं रहेगा, अगर मैं रहूंगी ना ये नहीं रहेगा, और अगर ये रहता है मेरे फ्लैट की चाबी लाओ, मेरी गाड़ी की चाबी लाओ, रवाना हो जाओ, यानी तुझे डाइवोर्स दे दूं, तलाक दे दूं क्या?
The guy, yes, give me the diamonds, I want it. Achha. God, give me the time. Mujhe time de. Let me think about Quran and yourself. Mujhe dono cheezon ka muawana karne de do ki mujhe Quran rakhna hai ki mujhe tujhe rakhna hai. इसके लिए मुझे संजीदगी से सोचने का मौका दिया है। एक घंटे तक सोचने के बाद अलमारी से कुरान शरीफ निकाला, सीने से लगाया, रोया, खोल के पढ़ा, वुज़ू किया, तिलावत की। कुरान शरीफ अपनी इंडिया वाली बैग में दोबारा रख दिया। सुनना, और लड़की से उसके बेडरूम में जाकर कहा, ये फ्लैट की चाबी, ये आपका डाइवोर्स, ये आपकी गाड़ी की चाबी, मैं और मेरा कुरान चले मस्जिद, सब छोड़ सकता हूं, लेकिन ये पुराने करीम से हल्के हल्के तार मेरे इश्क और मोहब्बत के जो जुड़े हुए थे उसने आज रंग दिखाकर मुझे काफिर होने से बचाया है और मुझे दोबारा ईमान की दौलत नसीब हुई। कुरान को छोड़ूंगा, तुझे छोड़ूंगा। कहते के मस्जिद में गया, आधी रात को दरवाजा खटखटाया, इमाम ने दरवाजा खोला। हाँ तो दरवाजे बंद होते हैं मस्जिदों के, बड़ी चीनी मस्जिदें होती हैं। दरवाजा खोला, आधी रात तहज्जुद पढ़ता रहा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता रहा, अल्लाह ये कुरान मेरे बाप ने ना दिया होता तो आज मैं भी ईसाई होता, लेकिन अल्लाह ने इस कुरान से निस्बत की वजह से मेरा ईमान बचा दिया, मुझे जन्नत ही बना। मैं अर्ज ये करना चाहता था कि खाली कुरान छुआ और खाली कुरान करीम से मोहब्बत रखी तो अल्लाह ने उसका ईमान बचा लिया। तो जिनके सीनों में कुरान शरीफ उतर चुका होगा और जो रात दिन कुरान पढ़ रहे होंगे, और मेरे भाइयों और प्यारे बुजुर्गों और मुसलमानों, अगर जिंदगियों में कुरान अगर हमारे आया होगा तो ये दुनिया में भी कुरान बचा लेगा और वो दुनिया में भी कुरान बचा लेगा। कुरान बचाने वाली किताब है, दुनिया में भी हालात से बचाएगी और आखिरत में जन्नत में ले जाने वाली बेहतरीन किताब अगर है वो कुरान करीम है। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, 12 बजे का वक्त मौलाना कबरुल हुदा साहब ने इनायत करवाया था। एक ही पैगाम मैंने आज आपको दिया और वो पैगाम यह है कि अगर चाहते हो दुनिया में जिंदगी गुजारना ईमान के साथ तो कुरान को आराम करो, कुरान करीम की तालीम को आराम करो। लोग कहते हैं इतने मदरसे खोल के क्या करोगे, अरे शहर में दवाखानों का लाइन लगा हुआ है, कभी आपने दवाखाने पे एतराज नहीं किया तो फिर ये रूहानी दवाखाने क्यों बंद हो जाए। इनको ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए, इनको ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए, इनको ज्यादा से ज्यादा लाइफ। क्या ख्याल है आप हजरात का, पहली मरतबा हाजिर हुआ हूं, मेरा पैगाम अगर आपको समझ में आया हो तो फौरी तौर पर अपने मदरसे से अपने आप को व्यवस्था करें, मदरसे का काम करें, मदरसे को अपनी औलाद दें, मदरसे पर मोहब्बत की नजर डालने से भी अल्लाह खुश हो जाएगा। आप हजरात इसी मोहब्बत को लेकर यहां पर कितनी देर से और कल से तशरीफ फरमा रहे, बच्चों के प्रोग्राम सुने, हजरात उलमा की नसाइब सुनी, अल्लाह ताला
आप हजरात को जजाए खैर अता फरमाए, बेहतरीन बदले अता फरमाए, और ये उपवास को मरते दम तक कुरान की तिलावत का शगफ अता फरमाए। कुरान याद करना आसान है, कुरान करीम को बाकी रखना असल काम है, और उसके लिए कुरान का दौर अज बस जरूरी है। मैं इन बच्चों से अपील करूंगा कि अभी तो बहुत लंबी मंजिल तय करनी है, जिंदगी ऐसी गुजरे कि कब्र के किनारे पर आपको ले जाया जाए तो आपके सीने का कुरान कब्र को चमका के रख दे और नजात का जामिन बन जाए। इन्हीं गुजारिशात पर हजरत मौलाना को मुबारकबाद देते हुए, माँ बाप को मुबारकबाद देते हुए, इनके असाजिला को मुबारकबाद देते हुए, आज हजरत हाजी मोहम्मद फारूक साहब आपके इजलास के गवाह बनकर आए, इतनी दूर से आए और सिर्फ मदरसे की निस्बत से और कुरान की निस्बत से आए हैं। अल्लाह ताला इस निस्बत को कबूल फरमाए, बल्कि अल्लाह ने उनको अजीब व गरीब दाद और दहिश का जज्बा जो उनके साथ सुबह से ले रहा, मैंने सुना अल्लाह ने क्या दिल उनको अता फरमाया है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह इदारे की आबियारी भी करेंगे और तआवुन भी फरमाएंगे और तशरीफ लाते रहेंगे। आप हजरात बहुत देर तक तशरीफ फरमा रहे, मुझे सुनते रहे, मैं आप तमाम हजरात का और उलमा का शुक्र गुजार हूँ। अल्लाह ताला ये बैठने को और ये सुनने को अपने फजल से कबूल फरमाए और अमल का दाइया और अमल का जज्बा जो असल चीज है सुनने से मकसद के तौर पर वो अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। वो आखिर दावाना अनिल हमदुल्ला।